और अब आपको मिलवाते हैं ऐसी डांसिंग क्वीन से जिनका डांस दरअसल लोगों के लिए ट्रैफिक मंत्र है। जी हाँ, अपने खास डांसिंग अंदाज से न सिर्फ इंदौर के लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक बना रही हैं, बल्कि इनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर भी लोगों का दिल जीत रहा है। आप भी मिलिए उस ट्रैफिक वॉलंटियर से जो लोगों की प्रेरणा की वजह बन रही है। तो ऐसे में शुभी जैन जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं। आपको बता दें, पहले उनका परिचय आपको देंगे। इंदौर में रहती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं, एमबीए की छात्रा हैं और रेडियो जॉकी यानी आरजे का काम भी करती है, और इसके अलावा लोगों को जागरूक करती हैं यातायात नियमों के पालन करने के लिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करने वालों का सम्मान करती हैं, उन्हें सैल्यूट करती हैं। इंदौर की ट्रैफिक गर्ल अब से कुछ देर बाद हमारे बीच होंगी और उनसे हम सीधी बातचीत भी करेंगे। बता दें आपको, इसके पहले यातायात जागरूकता अभियान को लेकर कई तरह के सम्मान उन्हें मिल चुके हैं और इंदौर में इस वक्त वो अपनी भूमिका निभा रही हैं। शुभी डांस करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल भी करती है। शुभी का ये शौक है, उन्हें पसंद है ये काम करना। इसके अलावा जनता को उनके प्यार भरे अंदाज में, खुशी भरे अंदाज में उन्हें सिखाती है ट्रैफिक रूल का पालन करना। इसके अलावा आपको बताना जरूरी है कि पुणे से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और फिलहाल इंदौर में वो ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में काम कर रही है, यातायात वॉलंटियर के रूप में काम कर रही है और कई तरह के एनजीओ, कई तरह के यातायात जागरूकता अभियान में शामिल रह चुकी हैं, उन्हें कई तरह के सम्मान मिल चुके हैं और इस वक्त इंदौर के युवाओं की प्रेरणा वो बनी हुई हैं। शुभी जैन अपने आप में एक खास पहचान रखती है इंदौर में, हर ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और सीधे रुक करेंगे ट्रैफिक गर्ल का, शुभी जैन का, चलेंगे इंदौर। हेमंत शर्मा हमारे सभी लगातार उनके साथ बने हुए हैं। हेमंत, शुभी जैन जैसे काम करती है इंदौर में, ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं, पहले जरा तस्वीर एक बार आप दिखाइए, शुभी जैन कैसे काम कर रही हैं, कैसे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। देखिए बिल्कुल, स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर देखिए आप, शुभी जैन जो है ये ट्रैफिक गर्ल के नाम से यहाँ पर जानी जाती है और ये चौराहे पर अपने ही तरीके से, अपने नए अंदाज में जो है वो ट्रैफिक संभालती यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से, कितनी फास्ट मूवमेंट जो है वो यहाँ पर करा रही है, क्योंकि ये जो चौराहा है ये इंद्रप्रस्थ चौराहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो अमूमन यहाँ पर होता है। आने जाने वाले लोग जो है लगातार यहाँ पर बाहरी संख्या में यहाँ से वाहन लेकर गुजरते हैं और इस चौराहे पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं, यहाँ पर शुभी जैन तैनात रहती हैं और एक अपने अलग अंदाज में देखेंगे आप उसको कि वो किस तरीके से लोगों को समझाइश भी देती हैं। देखिए आप, हेलमेट के लिए जो है शुभी समझाइश दे रही हैं, इसके साथ साथ सीट बेल्ट जिन्होंने लगाया है उन्हें किस प्रकार से अपना धन्यवाद जो है वो शुभी यहाँ पर देती नज़र आ रही हैं और लगातार ट्रैफिक कंट्रोल भी यहाँ पर कर रही हैं। जिन्होंने सीट बेल्ट लगाया है उनका उनको सलूट कर रही हैं। एक अलग अंदाज जो है यहाँ पर स्वच्छ शहर नंबर वन शहर के अंदर संदेश दे रही हैं और एक अलग अंदाज में, देखिए सीट बेल्ट अगर कार वाहन चालक ने नहीं लगाया है तो सीट बेल्ट लगाने की हिदायत जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं समझाइश जो है वो भी यहाँ पर देती नज़र आ रही है, समझाइश दे रही है क्योंकि वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। इसी तरीके से जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं उन्हें हेलमेट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। दरअसल शुभी जैन ने MBA किया हुआ है, उसके साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी कर रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो RJ भी हैं, अपने अलग अलग कामों से जानी जा रही हैं, अलग अलग अंदाज से जानी जा रही हैं और लगभग 2 साल से वो इंदौर के अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक संभाल रही हैं। वैसे मूलतः बीना की रहने वाली हैं शुभी जैन और इंदौर के अंदर भी वो उन्होंने पढ़ाई की है, इसके साथ साथ वो पुणे में उन्होंने MBA अपना कंप्लीट किया था जी। और आप देखेंगे किस प्रकार शुभम यहाँ पर जो ट्रैफिक के नियम है वो स्माइल देकर, इतने प्यार से समझाइश देकर, बिना किसी चालान के लोगों को यहाँ पर समझाइश देती नजर आ रही है जी। हेमंत, गुजारिश करूंगा आपसे सीधे शुभी जैन से तारुफ कराएं, उनसे बातचीत करें और जाने कि कैसे वो काम करती हैं, क्या कुछ उनका एम है, कैसे उन्होंने ये सब सीखा। अब बिल्कुल शुभी हमारे साथ में मौजूद है। शुभी, कैसे आप यहाँ पर काम करती हैं, कितने समय आप यहाँ पर बिताती हैं? 2019 से शुरुआत करी है सर, यहाँ सिर्फ 20 मिनट तक रही हूँ मैं, मतलब 20 दिन तक रही हूँ। उसके बाद वापस चली गई थी पुणे जहाँ से पढ़ाई करी थी, लेकिन जब वापस इंदौर आना हुआ और जब हम ट्रैफिक के इस तरफ थे, मतलब जो लोग परेशान होते हैं ट्रैफिक से, तो वापस से सबका यही बोलना कि सिस्टम ख़राब है, कोई चिंता नहीं कर रहा है। और मैं जब उस क्राउड का पार्ट थी तो अंदर में यही शिकायत आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर इंटर्नशिप तो ख़त्म हो गई थी,
लेकिन वापस से वही जर्नी शुरुआत करी। जब मैंने शुरू किया था तब 1800 बच्चे थे, लेकिन 2021 में जब शुरुआत करी तब 1800 लोग नहीं थे, अकेले शुरुआत करी। लेकिन एक बोलते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि 2400 घंटे हम खुद के लिए जी रहे हैं, अगर 2 घंटे हम उनके लिए, जिस सोसाइटी के बीच हम रहते हैं उनके लिए जिएंगे ना, तो लाइफ एकदम कंप्लीट लगने लगती है। तो मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल शुभी, एक अलग अंदाज आपका यहाँ पर नजर आता है। ये अंदाज आपने कैसे किया कि आप यहाँ पर अगर इस तरीके से ट्रैफिक संभालेंगे तो यहाँ पर जो है लोग ट्रैफिकों का नियमों का पालन करेंगे, और लोग यहाँ पर आपकी बातों को सुनकर ट्रैफिकों के नियमों का पालन भी करते हैं? सर, अंदाज तो मैं ये नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी स्पीड में हमेशा चीज़ें करती थी। लोगों ने इसको डांस बोल दिया, नहीं तो हम बहुत गंदा डांस करते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता है हमें डांस करना। लेकिन हाँ, जो चीज़ें होती है बहुत स्पीड में होती है, एक अलग जुनून आ जाता है। अगर आप मुझसे यही चीज़ अलग से करने बोलेंगे ना, तो वो मुझसे नहीं होगी। लेकिन यहाँ रोड पर आते ही, मतलब कितने एक्सपीरियंस होते हैं सर, कितनी गाड़ियाँ फिसलती हैं, हम लोगों ने उठाते हैं, बीच में गाड़ियाँ बंद पड़ जाती हैं। अक्सर हमारी आदत होती है हम हॉर्न बजाते रहते हैं, मैं कितनी गाड़ियों का धक्का मार चुकी हूँ, मैं अभी तक गिन भी नहीं पाई हूँ। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं, आंखों के सामने एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये चीज़ें ना अपना मोटिवेट करती है। जब आप लाइफ बचाते जाते हो ना, तो वो शुरुआत करने की देर है, फिर तो अपने आप आगे चलते जाते हो। तो शुक्रिया, हम चाहेंगे एक बार और आप जो ट्रैफिक को है अपने अंदाज में यहाँ पर संभाल के हमारे दर्शकों को बताएं। आपको लगातार जो हमारे लाखों दर्शक हैं वो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, तो उन्हें भी इससे एक प्रेरणा मिलती है, एक सीख मिलती है कि किस प्रकार से लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो उन्हें समझाइश देने के बाद भी वो या तो नानुकूल कर जाते हैं, मना कर जाते हैं, तो कैसे आप उनको समझाती हैं फिर? देखिए सर, सबको पता है कि उनकी गलती क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि पनिशमेंट और अप्रिसिएशन, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। और जब आप, जो लोग ऑलरेडी रूल फॉलो करते हैं ना, उन्हें थैंक यू बोलते हैं मुस्कुराकर। आप खुद ही सोचिए, कोई अनजान व्यक्ति जिसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, वो आए आपके पास और आके आपको शुक्रिया कह जाए उस चीज़ के लिए जो आप खुद की ज़िंदगी के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको अपने आप में अच्छा लगेगा। तो मेरा यही मकसद है कि चेंजेस जो आए ना, वो सिर्फ मेरी आँखों के सामने नहीं आए, वो बदलाव ऐसे होने चाहिए कि हम रहें या ना रहें, लेकिन वो पर्सन अपनी लाइफ की कीमत हमेशा करता रहे। तो अपने अंदाज में हम चाहेंगे कि आपने जो ट्रैफिक जैसे संभाल रही थी, आप संभाल कर हमारे दर्शकों को दिखाएं यहाँ पर। तो देखिए शुभम, बिल्कुल जो एक अंदाज है यहाँ पर ट्रैफिक गर्ल का, वो एक अलग अंदाज यहाँ पर देखा जा सकता है। और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी समझते हैं, बात करते हैं उनसे, समझाइश जब शुभी देती है तो कई तरीके के बहाने जो वो भी बनाते हैं। अभी समझाइश दी आपको शुभी ने, कैसा लगा यहाँ पर लड़की यहाँ पर आपको नियमों का पालन सिखा रही है? नहीं, अच्छा लगा सर मेरे को। तो यहाँ पर जब लोगों को, जब शुभी लोगों को नियमों का पालन सिखाती है, तो लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगता है, लोग सीट बेल्ट भी लगाते हैं, और जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी मंद मुस्कुराहट जरूर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गलती है उनकी, क्योंकि जो जब वाहन चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का या जान को जोखिम का खतरा भी यहाँ पर उठाना पड़ता है। और सीट बेल्ट के लिए देखिए एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज जो है वो शुभी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुभम, अगर आपका कोई सवाल हो तो। जी हेमंत, मेरा सवाल ये कि इस, मैं शुभी से ही जानना चाहूँगा कि उनकी इस मुहिम का, उनकी इस कोशिशों का असर इंदौर में कितना देखने को मिल रहा है? सर, 2019 में जब ये शुरुआत करी थी ना, तो जिस चौराहे पर मैं करती थी, 10 में से 2 या 3 लोग सीट बेल्ट लगाते थे। बट जब वो एक हैबिट बनती गई ना कंटिन्यूसली, तो कई दफा ऐसा होने लगा कि लोग अपने रूट टर्न करके वहां से लाने लग गए थे, एंड खुद गाड़ियां रुकती थी और बोलती थी कि मैडम हमने सीट बेल्ट लगाया है, आज आप थैंक यू नहीं बोलेंगे। तो जब कोई इंतजार करता है ना और आपके एफर्ट्स की वैल्यू करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के लोग चेंजेस को अडॉप्ट करने में समय लेते हैं, आप हमारे यहाँ की सफाई देख लीजिए, लेकिन जैसे ही चेंजेस अडॉप्ट करते हैं ना, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो चेंजेस तो आए हैं, लेकिन हम एक पर्सन से चेंज नहीं आएगा, लोग हमारे साथ आए और इस चेंज को और बड़ा बनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। शुभी, आप कुछ दिन के लिए इंदौर आई और लगातार लोगों का समझाइश देती है, पर कुछ लोग जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर इक्का दुक्का लोग हेलमेट पहनकर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। पुलिस जो है वो लगातार अपने अपने हिसाब से मुहिम तो चलाती है, लेकिन क्या लोग समझाइश के बाद, आपने देखा कभी कोई हेलमेट लगाकर आपके सामने वापस आया हो? हाँ सर, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नया हेलमेट खरीद के लाते हैं और बताते हैं मैडम आज श्री गणेश हुआ है इस हेलमेट का। तो सर देखिए, जिसको बदलना है वो एक छोटी सी समझाइश में बदल जाएगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं बदलना है, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों की कहानी है, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, किसी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, हमारे साथ कब ऐसा हो जाएगा हमें नहीं पता होता है। तो बस, दूसरे की कहानी कभी भी हमारी हो सकती है, इसीलिए सतर्क रहें और खुद की सुरक्षा का ध्यान दें।
सुभी, जब आप ट्रैफिक संभालती होंगी तो आपके मदर फादर भी अक्सर आपको देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं, तो कितना प्राउड फील मम्मी पापा को होता है यहाँ पर कि उनकी जो लड़की है वो इंदौर जाके इंदौर शहर का एक ट्रैफिक संभाल रही है जो सबसे व्यस्ततम इलाका है। सर, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, ऐसे मैं बनिया हूँ, मतलब बनिया पापा की बेटी हूँ, सो मुझे हमेशा से पुलिस में जाना था, लेकिन दूसरा थॉट था कि मुझे मेरे पापा के जैसा भी बनना है। ये जो वर्दी मैं पहनती हूँ, भले ही 2 घंटे के लिए, मेरे दिल में वही चीज़ फील करती हूँ जो एक पुलिस वाला 24 घंटे फील करता है। ऑफकोर्स उनके एफर्ट्स हमसे बिल्कुल भी काउंट नहीं हो सकते, उनके बहुत बड़े हैं, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड फील होता है, और ये देखकर मेरे पेरेंट्स बड़े संतुष्ट होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, मतलब लोग तारीफ करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वैसे शुभि, आप बीना की रहने वाली हैं पर इंदौर का ट्रैफिक संभाल रही हैं, स्वच्छता में लगातार 5वीं बार शहर नंबर 1 आया है, तो इंदौर ही क्यों चुना आपने? सर, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि इंदौर एक ऐसा शहर है कि जो भी व्यक्ति बाहर से यहाँ आता है ना, वो इस शहर को, मतलब ये शहर उस व्यक्ति को अपना लेता है। तो मेरे साथ तो ये चीज़ ज़रूर हुई है कि किस्मत से यहाँ आई थी, दूसरे बच्चे कर रहे थे, मुझे तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला था, बस ऐसा मन किया, वो जो पुलिस वाला थॉट था ना कि पुलिस बनना है, वो अंदर से जाग गया और मैंने काम करना चालू कर दिया। और होता है ना, जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो तो रिजल्ट्स अपने आप मिल जाते हैं। फिर एक बार जो इंदौर आए, फिर वापस पलटने का मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं किया, तो अब यहीं बस रहे हैं। बिल्कुल शुभि, हम और दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आप जो ट्रैफिक यहाँ पर संभाल रही हैं, किस तरीके से ट्रैफिक संभाल रही हैं, हम दर्शकों को यहाँ पर लगातार दिखाना चाहेंगे। तो देखिए शुभम जी, यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो उनका जो अंदाज है वो एक अलग अंदाज यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि इस अंदाज को देख कर ही लोग जो है वो ट्रैफिकों का नियमों का पालन करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब चौराहे पर कोई ट्रैफिक गर्ल ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करती है, उन्हें नियमों का पालन सिखाती है, तो लोग मजबूरन महिला की बात सुनकर रुकते जरूर हैं, उसकी बात को सुनते हैं और ट्रैफिक के नियमों का पालन भी यहाँ पर करते नजर आते हैं। और जो लोग हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट लगाकर रखा है उन्हें शुभी अपने, बिल्कुल हेमंत, असर तो पड़ रहा है मुहिम का शुभी की। ऐसे में एक और सवाल आपसे लूंगा हेमंत, आपके जरिए शुभी से लूंगा, कि दिन के वक्त में सुबह के वक्त आरजे होती है, दोपहर में स्टूडेंट बन जाती है, और दिन ढलते ढलते यानी शाम होते होते एक यातायात ट्रैफिक के रूप में उनकी भूमिका देखने को मिलती है, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं शाम को, कैसे मैनेज कर पाती दिन भर के अपने शेड्यूल को इन 3 भूमिकाओं को? मुझे ऐसा लगता है सर कि यही उम्र है हासिल करने की, एक काम तो जीवन में नहीं होता, मतलब मुझे बचपन से इस चीज को लेकर बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा से मल्टीटास्क कर रही, मतलब एकेडमिक्स में भी थी, स्पोर्ट्स में थी, कल्चरल में थी, और ये सिलसिला चलता ही रहा। अभी सुबह की शुरुआत हमारी 7 बजे से होती है और ख़त्म रात के 10 बजे होती है, क्योंकि आप समझ सकते हो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस हमेशा 24 घंटे 7 दिन का होता है, तो उससे तो कभी भी हमें छुट्टी नहीं मिलती है। मॉर्निंग में 8 बजे, इवनिंग में ये चीज़ करती हूँ, बट ये जो होता है ना कि सोने के पहले जो थकान होती है, वही है, यही हसल है जो मुझे कम्प्लीट बनाती है, और इनमें से कोई एक चीज़ भी कम हो गई ना तो मुझे बड़ा अधूरा लगने लगेगा। सबको, मैं सारे यूथ को भी यही बोलूंगी कि अभी जो हम में एनर्जी है वो शायद कुछ सालों के बाद नहीं हो, इसीलिए इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत होती जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक सवाल और मेरा यहाँ पर ये कि जब आप अपने अंदाज में ट्रैफिक संभालती, कई लोग इसको हंसते हैं, मजाक में लेते हैं, मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, उस समय आपका कैसा उनको एक जवाब रहता है, कि आप क्या उनके जवाब देते हैं उस समय? सर, जब आप किसी से प्यार से बोलते हो ना, मतलब मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करती, किसी को डांटती नहीं हूँ, डिप्लोमेटिकली प्यार से मुस्कुरा कर, अगर कोई व्यक्ति बदतमीज़ी से रिप्लाई देता है तो मैं बोलती हूँ कि सर जी, आप इंदौरी हैं और आपकी जान की फिक्र हमें है, लेकिन आपको नहीं है, उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द आपको वो फिक्र जाग जाएगी, मतलब प्यार से बोलती हूँ। कहीं कुछ गाड़ी पे 2 लोग हैं, दिख रहा है हमें वो कपल है, तो जो उनकी श्रीमती जी होती है उनसे बोलते हैं कि मैडम क्या बात है, आप सर का ध्यान नहीं रख रही हैं, हेलमेट वगैरह का याद दिलाएं, और आपकी बात तो यूँ भी नहीं डालेंगे, मेरा कहा तो फिर भी भूल जाएंगे, और फिर दोनों लोग मुस्कुरा जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके अपनाते हैं, मुझे ही नहीं पता होता कि मैं अगला शब्द जो बोलने वाली हूँ वो क्या होने वाला है, और फिर ऐसी हंसी मजाक में लाइटली चीज़ें हो जाती हैं और उनके मन में वो बात घर कर जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसा शुभी जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक संभाल रही है और अपने अलग अलग अंदाजों से लोगों का यहाँ पर दिल भी जीत रही है। इसके साथ साथ देखा होगा शुभम के यहाँ पर किस प्रकार से लोग जो है वो ट्रैफिकों के नियमों का पालन शुभी के हाथों के इशारे पर करते हैं, और जब रेड लाइट हो जाती है तो जब शुभी का हाथ उनकी तरफ होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो गाड़ियों के पहिए हैं वो वहीं थम जाते हैं। जी शुभम,
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा, शुभी जैन आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो वाकई में दिल जीतने वाला काम शुभी जैन यहाँ पर कर रही हैं, ये भी एक तरह की देश सेवा है। और ऐसे में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना, वो भी इतने बड़े व्यस्ततम शहर में जहाँ पर लगातार इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, इन सबके बीच में एक बहुत ही प्रेरणादायी काम शुभी जैन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शुभी जैन आपका जुड़ने के लिए 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए।